हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ही लोग में। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से, क्योंकि अभी फिलहाल घर पे कोई है नहीं, सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब अपने अपने काम पर जा रहे हैं, घर कोई नहीं है। तो अभी फिर बस मैं नहा के आई हूँ, नहा के बाल बस ओनली बाल में हल्का सा कंघा निकालना होता है, उसके बाद फिर चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम जो है ना वो 1 बज गया है। तो 1 घंटे में बच्चे भी जाएंगे और बाकी सब लोग भी 1 घंटे में लंच करने के लिए आ जाएंगे। और बाल पता नहीं इतने क्यों झड़ते हैं, कितने बाल झड़ते हैं। तो एक बार एक बिंदी और लगा लेते हैं, क्योंकि बिंदी और सिंदूर जरूर मैं बाकी कुछ नहीं लगाती हूँ फेस पे, ओनली सिंदूर। और मैं इसमें देख के लगा लूँ, कैमरे में शीशे में देख भी नहीं रही हूँ। कहते हैं कि पीछे तक ले जानी चाहिए सिंदूर भरने के बाद, क्योंकि ना उससे पति की जो उम्र है ना वो लंबी होती है। और एक छोटी सी बिंदी जो मैं हमेशा लगाती हूँ, बस यही होता है मेरा डेली रूटीन, सिंदूर और बिंदी। बिंदी मैंने इसमें लगा ली देखी, और सिंदूर भी इसमें देख के लगा लिया। और अब चलते हैं बाहर, क्योंकि टाइम जो है ना वो 1 बज गया है, दिखाई दे रहा होगा आपको, 1 बजने में 5 मिनट हैं। तो मुझे अब खाना बनाना है, बाकी सारा काम मेरा घर का हो गया है, घर पे कोई नहीं है, यहाँ पर ही सारा काम मेरा हो गया है। तो आज थी मावस, तो खीर भी मेरी बन गई है, जो कि परी को खीर चाहिए, तो खीर मेरी बन गई है। और फिलहाल मैंने इसे ढक दी, ठंडी अच्छी लगती है खीर। और सब्जी भी मेरी बन गई है कुकर में, लेकिन जो आज रही ना मॉर्निंग में नहीं लग पाई थी, तो रही तो मैंने लगा दी है, लेकिन इसमें घी भी आ गया है। बट दिक्कत ये है कि अभी ना इसमें टाइम निकालना घी रह रहा था, घी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे, एक बार घी निकाल लेती हूँ। इसको हिला के घी निकाल देती हूँ, और मैं बेड पे रख के रही से लगाती हूँ, कभी कभी ना उसमें करंट आ जाता है, तो उसमें करंट ना आए इस वजह से बेड पे रख कर ही मैं रही लगाती हूँ। और कुछ उसकी डोरी भी जो है छोटी है, ये तो निकल गया, लेकिन इसको हिलाना रह रहा है। फिर तो मॉर्निंग में निकाल लेती हूँ मैं, लेकिन आज बच्चों की वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए मैं इस टाइम पर निकालती हूँ। देखिए मेरा जो घी है ना वो निकल गया है। अब मैं इसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लूँगी, हफ्ते में एक बार घी तहा देते हैं, वरना अदरवाइज मक्खन ही खाते हैं, डेली ताज़ा ताज़ा मक्खन निकलता है। तो घी भी निकल गया है, उसके बाद बना लेती हूँ अब रोटी, क्योंकि अब बज गया है 1:15, तो 1:15 बज गया, तो अब तो रोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिर बच्चों के आने में भी कम टाइम बच रहा है, और बच्चों के पापा के आने में भी कम टाइम बच रहा है। पूरा दिन काम करते करते ये टाइम आ जाता है। तो कमेंट्स, बैड कमेंट्स करने वालों देख लो, इससे नहीं करती मैं तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं, उसमें टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको मैं कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ, तब नहीं करती हूँ, थोड़ी देर के बाद कर देती हूँ। लेकिन तुम जैसों को जो कमेंट है ना, जो चिढ़ते हैं, जो हेटर्स हैं, मेरे हेटर्स हैं, उनको मैं सीधे डस्टबिन में डाल देती हूँ, जो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। और आज एक कमेंट मैंने, आज जब एक ब्लॉग डाला था मॉर्निंग में, जो आज मॉर्निंग वीडियो आई होगी, तो उसमें एक लेडीज ने जो कमेंट किया था मेरी बेटी को लेकर, तो मैं उसको बता दूं, अगर मेरी बेटी को लेकर कुछ बोलेगी ना, क्योंकि मैं किसी के बच्चे को लेकर नहीं बोलती हूँ, और अगर कोई किसी के बच्चे को लेकर बोलता है तो मैं उस पर भी ऑब्जेक्शन उठा देती हूँ, ठीक है। तारा के बेटे को किसी ने काला बोला था, तो मैंने उसको जवाब दे देता, वो तो तारा का बेटा है, जिसे तुम कहते हो कि मैं उससे जलती हूँ, पर मैं उससे जलती नहीं हूँ, मैंने कभी किसी ना जलना जरूर सीखा है, ना कभी किसी से जलती हूँ, ठीक है। जो उसका है वो उसका है, जो मेरा है सो मेरा है।
लेकिन एक बात सुन लो कान खोल के, कि जब मैं दूसरों के बच्चे के लिए लड़ सकती हूँ, दूसरों के बच्चे के लिए स्टैंड ले सकती हूँ, तो अपने बच्चे के लिए तो क्या कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए लिमिट में और जुबान संभाल के बात करो। मुझे कुछ कहना है कहो, नो प्रॉब्लम, मुझे तुम कुछ भी कह सकती हो, लेकिन अगर मेरे बच्चे के ऊपर उंगली उठाई ना, तो एक गरम चिमटा याद रखिए। ठीक है, तो मेरे बच्चों को लेके कुछ ना बोल देना बिल्कुल भी। मैं किसी के बच्चे पर कभी उंगली नहीं उठाती हूँ, ना मुझे कभी किसी के बच्चे पर जरूरत उंगली उठाने, ना किसी को किसी के बच्चे पे उंगली उठाने देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए बच्चे पर मत जाना भूल कर भी। मैं दुश्मन हूँ तुम्हारी? मुझे करो कमेंट, मैं तुम्हें जवाब देती हूँ अपने कमेंट का, लेकिन बच्चों के ऊपर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, एक बार खाना बना दूँ उसके बाद मिलती हूँ फिर आपसे। अभिराज ऊपर क्या हो रहा है? यह गाय का नाच, क्योंकि गाय का जो राशन है वो खत्म हो गया था, तो अब ह्यूमन अब होगी कहते सुन सुनी होगी सारी, इसलिए मुझे थोड़ा सा पीसना करना पड़ेगा ऐसे, उसके बाद फिर धुलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने नहीं धुली ना तो ऐसे खाई जाएगी, बहुत ज्यादा सूखी होगी इसमें। ऐसा ही होगा, चिखाओगे? अच्छा तो किसे रास्ता देखिए, कहाँ से लगे पता नहीं। तो फ्रेंड्स मैं एक बार धूम साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, फिर बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन के, अभी क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो बच्चे जाएंगे ट्यूशन के, उससे पहले मुझे धूम साफ करनी है, चाय बनानी है, फिर बच्चों को पढ़ाना है, अभी और परी का होमवर्क कराना है, तो बहुत सारा काम है जो अभी करना है, और उससे पहले धूम साफ कर दें एक बार, फिर मिलते हैं। अभी भी होगी, आज संडे है तो अभी और परी खेल रहे हैं। परी क्या क्या नाम है इस गेम का? बस खेलने का मतलब है। और ये एक छोटी सी बच्चा, देखो कितनी छोटी सी बच्चा है साइज में, ये देखो ये छोटी सी बच्चा है, मतलब ये ना टाइम से बहुत पहले हो गई, जैसे होता है ना बच्चा 7-8 महीने जाता है, तो ऐसे भी बहुत छोटी सी बच्चा है ये, इसकी एक बच्चे की तरह केयर करनी पड़ रही है। और ये देखो कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आज सुबह से वैसे भी बारिश लगी हुई है, तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।